हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल के इस वीडियो में खास क्या है, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है और तमाम सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और उनके मार्क्स नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल भी किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि हॉरिजेंटल जो लिखा हुआ है उसे हम वर्टिकल कर दें और जो वर्टिकल लिखा हुआ है हेडिंग उसे हम हॉरिजॉन्टल कर दें, यानी कि नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 और ये टोटल ये वर्टिकली आ जाए और ये जो राम श्याम एंड जो भी दिया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस पूरे डेटा को आप पहले तो सेलेक्ट कर लीजिए, इसे आप सिलेक्शन में ले लीजिए। तो इसे सबसे पहले तो सिलेक्शन में ही ले लेता हूं मैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे कॉपी कर लेना है, सिंपली कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, ये कॉपी हो जाएगा। अब आपको कंट्रोल अल्ट और वी बटन प्रेस करना है, ठीक है, तो ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तमाम चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, लेकिन आपको कहाँ आना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांसपोज, तो इस पे आपको टिक कर देना है। ध्यान रखिए कि आपको इस पे टिक कर देना है। अब यहाँ से ओके प्रेस करना है, लेकिन इसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये डेटा कहाँ लेके आना है, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटाता हूं और हमें डेटा ये यहां पर चाहिए। ठीक है, कंट्रोल अल्ट और वी बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो यही विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली ट्रांसपोज पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो गया और जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो गया। ठीक है, आप ये नेम ऑफ स्टूडेंट हटा सकते हैं यहाँ से लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से आप ये ट्रांसपोज का यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।